हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं रीयूज्ड कंटेंट। और रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, क्यों आता है चैनल पर, और चैनल जब मोनेटाइज होता है उसके बाद रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है, चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है उसके बाद चैनल को मोनेटाइज कैसे करें, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। और आपके लाइफ का जो कीमती समय है सिर्फ 5 से 6 मिनट मैं लूंगा, और 5 से 6 मिनट में आपको फाइंड आउट करके बता दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके चैनल पर, और उन प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रभाकर को। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहली बात, जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, चाहे वो डीजे का हो या फिर सॉन्ग मिक्सिंग करते हैं या फिर आपने किसी दूसरे का कोई वीडियो उठाकर अपलोड किया है, फिर जब अपलोड कर दिया उसके बाद क्या आपने उस वीडियो को देखा है? अगर आपने उस वीडियो को देखा और देखने के बाद आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि आपने उस वीडियो में क्या वैल्यू प्रोवाइड की है, क्या दूसरे को नॉलेज दी है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी दूसरे की वीडियो यूज करके किसी को नॉलेज दी है तो आपका वो कंटेंट रीयूज्ड नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि जब आपने किसी की वीडियो यूज कर ली है तो उस पर आप कभी भी जब वीडियो यूज करो तो उस पर नरेशन होना चाहिए। नरेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने किसी का मतलब टीवी शो का एक वीडियो यूज कर लिया या फोटो यूज कर लिया और उसके पीछे आप बैकग्राउंड में वॉइस ओवर करके पूरी डिटेल में बता रहे हैं कि ये चीजें होने वाला है, ये चीजें हो गई हैं, तो आपके चैनल पर मैं आपको बता दूं रीयूज्ड कंटेंट नहीं आएगा। लेकिन आपको बता दूं कॉपीराइट कभी भी आ सकता है, वो भी एयरप्लेक्स से। तो आप जब कोई सीरियल की वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसका जरूर ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3, जब आपने अपने कंटेंट को अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए तो क्या आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डिस्क्लेमर लगा हुआ था, आपका सोशल मीडिया का हैंडल लगा हुआ था या फिर नहीं लगा हुआ था? अगर नहीं लगा है तो लगा लेना, अगर नहीं लगाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, जब आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो क्या आपने ये चेक किया था कि आपके सभी थंबनेल अलग अलग तरीके से हैं, मतलब एक जैसे थंबनेल नहीं है? ये चीज़ें आपको ज़रूर से चेक करनी है। अगर एक जैसा है तो आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ सकता है। पॉइंट नंबर 4 कि आपने जब किसी का फुटेज उठाया था तो क्या उसमें कोई बदलाव करके अपलोड किया है या फिर एज इट इज अपलोड कर दिया है? ये काम अगर एज इट इज अपलोड कर रखा है तो वो रीयूज्ड कंटेंट वाला आपके चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 5, अगर आपने किसी मूवी या किसी टीवी शो को डायरेक्ट अपलोड कर दिया है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे उस पर 2 मिलियन नहीं 10-20 मिलियन व्यूज आए हों, उसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, अगर आपने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखी है दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा और शॉर्ट वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ गए हैं, आप सोच रहे हैं इसको डिलीट करूँ ना करूँ, तो डिलीट आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपका वॉच टाइम जरूर कम होगा लेकिन चैनल बाद में मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन अगर सोच रहे हो वॉच टाइम कम ना हो और मोनेटाइज हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत वीडियो में बहुत बार बताया हुआ है कि आप जब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के 5 मिनट के बाद अपने बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दो जिस वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट है, उस टाइम आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ये ट्रिक बहुत लोगों ने यूज की है, और ट्रिक नहीं कह सकते, ये एक काम है जो कि आप कर सकते हैं अपने चैनल पर, और अगर आप अपने चैनल पर करेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रो मिलेगा, आपको बूस्ट मिलेगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने चैनल पर एक काम कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन के अप्लाई करने के पहले एक वीडियो आप बना सकते हैं अपने चैनल के बारे में। अपने चैनल के बारे में बताओ, अपने चैनल से रिलेटेड सारी चीजें बताओ। अगर आप शूटिंग करते, वीडियो बनाते, एडिटिंग करते, कुछ भी करते, वो सारी चीजें दिखाकर अपलोड कर दो। पॉइंट नंबर 7, मैं आपको बता दूं, जब भी आपके चैनल पर कभी रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है तो आप अपने चैनल पर ये चेक करो कि लोगो आपका लगा हुआ है, आपके चैनल के अबाउट के सेक्शन में क्या आपके चैनल का नाम, आपके सोशल मीडिया का हैंडल लगा हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का हैंडल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके चैनल को मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक पाता है। आपको फिर बता दूं कि अगर आप इन सभी कामों को करने के बाद भी परेशान हैं और नहीं समझ में आ पा रहा है कि क्या करूं और कैसे करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको मैं मिल जाऊंगा, वहां पर आपको रिप्लाई भी करूंगा और बताऊंगा भी कि क्या आपको करना चाहिए। और वहां पर यह भी हो सकता है कि अगर आपको पेड सर्विस लेनी पड़े, जब हम आपको बात करेंगे, आपके चैनल को देखेंगे और वहां पर हमें लगेगा कि आपके चैनल को तरीके से देखना है और हो सकता है कि आपको पेड सर्विस लेना पड़े, तो आपको बता भी दिया जाए।
जाएगा। तो दोस्तों जो चीजें मैंने आज आपको बताई है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इन केस अगर 1-2% दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपको बता भी दूंगा प्रॉब्लम क्या है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप सभी लोग, रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।